जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये मर्द का टेक्सचर जो मैंने उस दिन प्रिपेयर किया था आपके सामने। इसको इस दफ़ा मैंने सोचा कि हर दफ़ा हम लोग इसके चंक्स ही निकालते हैं ना, तो इधर हमने सोचा इसकी शेप्स क्यों ना बनाई जाए। तो अभी आपके सामने पहले मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लूँ ना, तो फिर उसके बाद हम इनको शेप्स के अंदर जो है ना डाल लेते हैं, जो आपके सामने ही होगा सब कुछ इंशाल्लाह। जी तो ये देखें, मैंने अभी इसको देखा है नीचे तक करके, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें, असल में ये जो टब था ना, ये मैंने पहले से, आप लोगों ने देखा था एक दिन कि मैंने इसको ऐसे शिफ्ट करके रखा था। तो ये जो बाकी का मटेरियल है ना, ये वो है वो जो कल भूषा ने आपको दिखाया है कि सारा हमारा ख़राब हो गया था बारिश में, तो उसको भी मैंने ऐसे शिफ्ट करके अच्छा सा और दोबारा उसको बना के और इसके अंदर रख लिया था। मैंने सोचा शायद वो या तो इसके अंदर जमने दूँ या फिर हम इसकी जो है ना शेप्स निकाल लेंगे। बट अभी मैंने देखा कि ये ऊपर वाला तो हिस्सा ठीक है, पर वो नीचे वाला जो है वो फुल हार्ड हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे। जो ऊपर टेक्सचर है ना, इसको हम डब्बों के अंदर डाल लेते हैं। चलो चलो कुछ ना, जो ऊपर है ना, हम सिर्फ उसको डालेंगे। ये देखें कितना मज़े का है ना, इसमें डालेंगे इस बार। चले इसमें डालेंगे, ऊपर से आप उठा के डालें, मैं काम ले लूँगी। हाँ यहाँ वहाँ से डालें, गुड। थोड़ा अपना हाथ ऊपर रखना। ओ यस, सही जा रहा है, सही जा रहा है जी। थाला जी, जी गुशा ने सलाम ना दुआ, वो सही जा रहा है जी। अभी मैं करती हूँ ना, रुके, पहले आप ये डलवाएं ना। चल, चल। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। तो ये देखें एक शेप, आज मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी तो मैंने कहा आज ये बनवाते हैं मड की। शुक्र है थोड़ा बहुत टेक्स्चर था, तो मेरे ख्याल से जो दूसरा मड मामा आपने नहीं तैयार किया वो होगा, फिर उसको शेप्स में डाल देते हैं, उसको डाल देंगे। चलो इसको भी डाल, चलें देखें इंटरलॉक टाइल बन गई। उतना तो हम डालेंगे ना, पहले मैं जरा प्यारी प्यारी जो नई नई शेप्स आई हैं ना वो भरवा लूँ, बाकी की फिर करवाएंगे। अच्छा, एक जो है ना हमारी सब्सक्राइबर है सबा, उनका नाम है, न्यू आई है वो, उन्होंने बोला कि मेरा नाम लें आप लोग, जिसका नाम एक हाथ से डालें तो इसमें, तो वो तो लेंगी ना मुशा साहिबा, और मैं जो ना मैं एक से ही डालने साथ इसके अंदर डालूंगी, एक से ही डालने इसमें, मेरे भी हाथ गंदे होंगे, डल जाएगा ना। अच्छा मैं आप लोगों को भी लेकर जाती हूँ नाम। वैसे मैं उस दिन रेड क्वीन को देख रही थी, वो इस तरह से डाल रही थी तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, और आज रेड क्वीन देखने आज मैं खुद भी डाल रही हूँ। हाँ, तो साफ तो करें, मेरा भी हाथ आपने गंदा कर दिया, थोड़ा डालना था ना। हाँ डाला, सही है बस वो आपने ऊपर से डाला ना। चलो अगली शेप पकड़ो। चलो अगली शेप पकड़ती हूँ मैं, भूषा को मैं इसी काम लगाए रखूँगी आज, भूषा पता नहीं। ठीक है डालें डालें, हाँ सही है, गुड। भूषा साथ साथ ले नाम, मैं लेती हूँ एक, जो कि हमारे ब्लॉग्स में आते हैं और हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं और कहते हैं कि आप हमें हमारा नाम लें, क्यों नहीं नाम लेंगे आप हमारे। अमरीना ने, क्यों सब्सक्राइबर हैं, अमरीना ने कहा था कि अल्लाह ताला भी अम्मा को सेहत दे, आमीन आमीन अमरीना, थैंक यू। और लालेब अमजद है, इनके लिए एक रंबलिंग की थी लालेब हमने मेरे ख्याल परसों, हाँ इन्होंने बोला था कि मैं आपके ब्लॉग का बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ, थैंक यू लालेब, बस थैंक यू सो मच लारेब। अब इसमें आप हमारे ब्लॉग का ये रजिया को थोड़ा हाथ मार देगी अंदर से, इसमें जाले बने। अच्छा वेट करती हैं। दानिश खान ने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे तो मिट्टी इतनी पसंद है कि जब मैं देखती हूँ ना वीडियो में तो पागल हो जाती हूँ, दिल करता है आप लोगों से लेके मैं खुद करूँ, ये खुद कर लो आप, आपका नेम तो नहीं पता, यूज़र नेम जो है ना वो हमने तरीका हो सकता था दानिश खान है वो हमने बता दिया, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आसान और तरीके से। एक तो रेड क्वीन का मैं देख रही थी एक साल पुराना, उस दिन ना उन्होंने बिल्कुल वन बाय वन डिटेल दी हुई थी, हालांकि उस दिन पहले मैंने नहीं देखा हुआ उसे, उस दिन मेरे उसमें ना एकदम से यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वो आने लगी, तो साल पहले वाला मैंने उनका देखा, तो उन्होंने फिर इस तरह से सारा डिटेल से मड कप बताया हुआ था, और अब मैंने भी आपको डिटेल से जो है ना उस दिन मड कप पूरा एक एक हिस्ट्री पूरी। हाँ ये मैं जवेरिया का कमेंट देख रही थी, उन्होंने बोला हुआ था कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि मैं तो वैसे प्योर सीमेंट की क्रमलिंग करती, मम्मा की तबियत आती तो नहीं, जवेरिया ऐसी कोई बात नहीं, हमने क्रमलिंग तो वैसे भी करनी थी, टेक्सचर क्योंकि हार्ड हो रहा था ना, तो कोई बात नहीं, आप सॉरी ना बोलो क्योंकि क्रमलिंग तो वैसे भी करनी थी,
मम्मा ने, और मम्मा ने कहा था कि चाहे मेरी तबीयत ख़राब भी है ना तो मैं आके थोड़ी बहुत करूँगी, कि टेक्सचर जो है ना हमारा वो सारा हार्ड हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस टेक्सचर का। एक मिनट, अब मैंने दोनों हाथों से ये पकड़ा है ना, फिर मैं कमेंट आपको फिर पढ़ के बताती हूँ। थोड़ा सा और डालें, काफ़ी है? नहीं, बहुत है। चलो, फिर जब ज़्यादा हो जाता है ना फिर वो निकल निकल के इधर उधर जाता है ना, इसलिए बुशरा को जो है वो शेप पकड़नी पड़ रही है, क्योंकि मेरे दो ही हाथ हैं और दोनों इधर बिजी हैं। अब हम लोग डालेंगे यार, हाथ तो दो ही होते हैं ना। किस में डालेंगे अब इसमें डालते हैं इस टाइप की शेप बनाते हैं सारी वो शेप इसके लिए, बाकियों में हम दूसरी मत डाल देंगे, ठीक है? अच्छा, और राबिया सानी है, वो हमेशा से बहुत प्यारी दुआएं देती हैं और कहती हैं अल्लाह आप हार्ड वर्किंग, अल्लाह ताला जो है ना वो आपको सेहत दे। और इनकी रिश्ता फातिमा की बर्थडे थी, उनको हम लोगों ने कल कर दिया था विश। मैं उस दिन पढ़ रही थी, मैं कह रही थी बुशरा से, बुशरा ये राबिया सानी जो है ना ये हमारे और एक वो मिस्टर एडिट्स हमारे हर 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 ब्लॉग पे आते, काफ़ी सारे हैं, जवेरिया आती हैं तकरीबन हर ब्लॉग, अम्बरीना आती हैं कुकिंग विद अम्बरीना आती हैं, मिस्टर एडिट्स आती हैं, जवेरिया हैं, राजा जवेरिया हैं, राजा जी हैं, एम एस हैं। अच्छा अच्छा, कौन सी यूज़र आईडी का नाम ये है? देखे ना बुशरा को सारा कुछ। अच्छा हाँ, ये राबिया आसिया, सबा आसिया, ये न्यू आई हैं, इन्होंने बोला है कि मेरा नाम ले आप, ठीक है, वाइट है, अच्छा बात, अच्छी बात है, लेयर पड़ेगी। ये राबिया आसिया है मामा, उन्होंने कहा था कि आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा। न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने राबिया सबा आसिया, जिनका आप बोल रही थी कि सबा के नाम पे सबा आसिया, मैंने कहा सबा आसिया न्यू सब्सक्राइबर है। हाँ सब्सक्राइबर, तो वो मैं पढ़ने लगी तो मैंने बुशरा से कहा बुशरा सबा ताहिर, कहती है नहीं मम्मा सबा ताहिर नहीं है, डाल दे। फिर आगे देखा तो वो सबा आसिया थी, हमारी न्यू सब्सक्राइबर है, हम आपको अपने हर व्लॉग में याद रखेंगे, कुछ अपने चैनल पर करते हैं, पहले तो आपको खुशामदीद और उसके बाद आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर अपने हर व्लॉग में आपको रखेंगे याद। अच्छा राबिया सानी, हाँ राबिया सानी ने कहा कि जब आप व्लॉग में नाम लेती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, अल्लाह आपको सलामत रखे और तरक्की दे और सेहत दे, हमें भी बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच राबिया सानी। स्टार एसमान ने कहा था टेक्सचर बहुत मज़े का है, हार्ड नहीं है। अच्छा नाफे खान ने दुआएं दी हुई हैं बहुत सारी, कि अल्लाह आपकी फैमिली को खुश रखे। स्टार एसमान, वैसे मुझे भी नाफे खान तरह के थोड़े क्रंची क्रंची से मज़े के लगते हैं। जज़ाकल्लाह नाफे खान। अच्छा हार्ड टेक्सचर गिव रिलैक्सिंग साउंड, एसमर फन क्रिएशन ने कहा, थैंक यू सो मच एसमर फन क्रिएशन। कार्ड कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम टेक्सचर की स्मेल ले सकते हैं, मेरा विलेज व्लॉग ने कहा है। आपने तो वही बात कर दी, जब अक्सर मेरे जिस्म में कभी दर्द होता है ना और बच्चों को समझ नहीं आ रही होती मेरी बात, तो फिर मैं कहती हूँ काश ऐसा होता कि तुम्हें मेरा दर्द नज़र आ रहा होता, तुम्हें पता चलता मुझे कितनी पेन है। बस खत्म हो गया। सेम, हाँ खत्म हो गया सेम। आप चलो दूसरा टब लाना पड़ेगा, जितने में आप इसको करें ना मैं। नहीं नहीं जी हो गया, इसको ले जाओ। कप केक ने कहा है बुशरा आप अपनी मम्मी को बात करने दिया करें, हाला मैंने कब रोका अपनी मम्मी को कप केक, ये बात करने देती है बट ना ये खुद ज़्यादा तेज़ी से बोल जाती है। हाँ वो मैं तेज़ी से बोल जाती हूँ, उसे लगता होगा आपको। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सबर दे, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, हमें भी सुकून नहीं मिलता। क्रमलिंग विद मदीहा, अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मकाम और मर्तबा अता फरमाए। ऐसा सब कुछ होता है, उन्हें ही मालूम होता है कि ऐसा उनके ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे जवाई ने कहा है कि दूसरे होते हैं आस पास वाले जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें किसी चीज़ की समझ आती भी नहीं। ग्रे जॉय ने कहा है कि मुझे स्मैशिंग जो है ना वो बॉल्स की बहुत मज़े की लगी है, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी पसंद है बॉल्स, इतनी पसंद है, बस अभी बनाई नहीं है काफ़ी दिनों से, नहीं अब बनाई है बुशरा ने, अभी तो और बनाऊंगी, एक और बनाऊंगी, बड़ी बड़ी सी बॉल्स। मैंने लड्डू बनाए हैं मोती चूर के, खाना है किसी ने? हाँ मुझे ऐसा टेक्सचर बहुत अच्छा लगा है, जो फील है थोड़ा बिल्कुल सॉफ्ट होते ही हाथ में लेते ही टूट जाता है, उसे मज़ा नहीं आता। अच्छा मुझे भी थोड़ा स्नैपी स्नैपी सा ना क्रिस्पी सा, मुझे सॉफ्ट पसंद है, नहीं मुझे स्नैपी पसंद है थोड़ा सा। अच्छा। चले अभी ऐसे करते हैं, बाकियों के नाम बाद में लेंगे, पहले दूसरा टब लेके आती हूं और दूसरे टब को लेके आते हैं। चलो चले। अच्छा जिनके नेम्स रह गए ना मैं अपना मोबाइल ले लूँ एक मिनट, फिर मैं उनके नेम्स लेती हूँ। हाँ जी दूसरा अपने मोबाइल, और ये दूसरा टब ले आई हूँ मैं, टेक्सचर है सैंड मड एंड सीमेंट वाला, इसको मैं ना आते के साथ शुरू मिक्स कर लें पहले। तो उषा कहती है मम्मा आपने तो अभी ये देखा ही नहीं, चलो ऑन कैमरा हमने करना था, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं। चलो कितने के नेम्स लिए थे? हाँ थोड़ा सा पीछे रखें हाथ, मैं नीचे से निकाल के ला। चलो निकाल लें, ये देखो। चलो मैं जितने में नेम्स ले लेती हूँ, ठीक है ले लूँ नेम्स। अच्छा हानिया सलमान ने भी, और उसके बाद जो है ना इनको
शेप के अंदर। हानिया अरसलान ने भी कहा था कि मुझे ऐसा टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा हार्ड सा हो ना। आरएम ने कहा नाइस ब्लॉग, थैंक यू सो मच आरएम। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, खासतौर पर जब अल्लाह ने किसी बंदे को वापस बुलाना चाहे, बेशक ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। मेरे फादर को गए 6 साल हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए हानिया, और आपको सब्र दे। आपकी वर्क प्लेस काफ़ी सब्र दे कहना बहुत आसान लफ्ज़ है, लेकिन जो है ना सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। लेऊं शेप्स? यूज़र नेम है, यूज़र आईडी है, सिर्फ नाम नहीं है यहाँ पे कोई। S7 भी आपका यूज़र नेम है। उन्होंने कहा आपकी वर्क प्लेस काफ़ी नीट एंड क्लीन होती है, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, कोई हाथ नहीं थामता अल्लाह के सिवा बुरे वक्त में, बेशक। लवली प्रीटी ऐसे मार, थैंक यू सो मच। ब्लॉग देख के पता चलता है कि एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत है, देख लें एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत है। अल्लाह सबको सेहत दे और आप सबको कामयाबियाँ दे, थैंक यू सो मच। आतिफा आपका नाम मुझे ओला इस्तेमाल के ब्लॉग से पता चला है, मैं भी मैंने कहा यार क्या आती आती, पता नहीं इनका नेम क्या होगा, तो वो ओला का मैं देखी थी ना, तो उन्होंने बोला था कि आतिफा आती आईडी यूज़र नेम है और आतिफा उनका नाम है, तो आपका नाम मुझे वहाँ से पता चला है। ओके मैक्स पिक्चर्स ने कहा था कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए बर्थडे बनाई, बर्थडे के लिए वीडियो बनाई, कोई बात नहीं। थैंक यू की क्या बात है, आप अल्लाह ताला हम लोग वर्क कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हमेशा कामयाबियाँ दे रुशदा को, रिश्ता फातिमा को। ऊपर ऊपर वाला तो डालें, नीचे वाला फिर मिक्स कर लेंगे, वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। फिर मेरा दिल चाह रहा है असल में आग गंदे कर लूँ, फिर मैंने कहा शेप्स कौन पकड़ेगा। असल में ऐसे है ना कि जो इसकी सैंड है ना वो सारी तो नीचे बैठ गई है। मम्मा को चेक करो, ये देखो सैंड नीचे बैठ जाती है, लम लेट हो गई है, डब्बे में चली जाएगी ना, हमने इसको मिक्स करके डालना है। ये सब कुछ कल मम्मा ने किया है, अभी मैं और भी कुछ दिखाती हूँ, मैंने बहुत कुछ किया कल। फिर मैं कल मेरी नन ने आना था ना, तो उसे तो मुझे पता ही था, मैं सुबह लगी हुई थी अपने काम, तो बस बैठ के मैं अपनी चीज़ें सारी साइड पे बनाती जा रही थी और रखती जा रही थी। मैंने कहा बुशरा जब तक आएगी उस तक 2-4 चीज़ें जो है ना मैं प्रिपेयर करके रखूँ। अमूमन ये मर्द और इस तरह जो चीज़ कोई ख़राब हो जाती है तो उनको फिर मैं ही संभालती हूँ, बुशरा तो नहीं संभालती। बुशरा मैंने बताया भी है कि ये सिर्फ मेरी कैमरा मैन है और मुझे गाइड करने वाली है, और पकी पकाई खीर खाने आती है, पकी पकाई खीर खाती है, और जहाँ मुझे टोकना हो वहाँ आ जाती है। ऐसी भी बात नहीं है, किसने कहा था पता नहीं कि मम्मा को बोलने दिया करो, पता नहीं क्या नाम था, कपकेक हाँ यूज़र आईडी नेम था। हाँ ये जो कपकेक ये जो है ना बुशरा, ये सिर्फ मुझे हिंट्स देने आती है, ऐसे करें ये करें बस बस। चलें जी इसको भी हम फिल कर लेते हैं उसी तरह, काफी। मैंने कल एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था, मिनी व्लॉग, उसमें मैंने बताया था, तो मैंने कहा लास्ट ईयर भी मेरी पप्पो आई थी तो मैंने आप उस टाइम मैंने ट्यूटोरियल्स व्लॉग्स वगैरह शेयर किए थे, सुमैया को याद होगा, उन्होंने क्योंकि पूछा था कि आप ट्यूटोरियल शेयर करें, तो हम दोनों मिलकर फिर सारी शेप्स वगैरह बनाते थे तीनों मिलकर। वही वाली मेरी पप्पो आई हैं, कल ही आई हैं, कल मैंने व्लॉग बनाया था बट वो अपलोड नहीं किया, वो मैं आज अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, छोटा सा है वो मिनी व्लॉग। फिर मम्मा अंदर चली गई थी, कोई आंटी आ गई थी उस टाइम, बस वो व्लॉग मैंने वहीं पेंट कर दिया था, नहीं तो वो भी हम लोगों ने ना थोड़ा बड़ा बनाना था। वो छोटा सा व्लॉग है, वो छोटा सा व्लॉग है, तो ये बड़ा व्लॉग बनेगा, चलें ये बड़ा बनेगा और जो देखेंगे उनके मुँह में पानी आएगा। हाँ क्योंकि ये आज का व्लॉग बड़ा ही मज़े का है, ये क्योंकि मर्द है ना, मर्द लोगों को बड़ी पसंद है। और वैसे ना मेरी नज़र अचानक पड़ी, मैंने कहा आज इंटरलॉक टाइल को हम लोग काम में लेके आते हैं, और वाकई देखो कैसे काम में आई है इंटरलॉक टाइल। गिरने तो नीचे धूप में रखा करो गुस्सा ताकि जल्दी जल्दी साइड पे होगा। चलो इस दफा हम शेप्स बना रहे हैं मर्द के, हमने सोचा बहुत टाइम हो गया है, हमने एक बार बनाई थी याद है कितनी प्यारी बनी थी। अब एक दफ़ा जो है ना मैंने गुस्सा होता है गुस्सा की स्लैब बनाई है, पहले नीचे लग गया, कोई बात नहीं। मुझे मैंने पहले सोचा ना उसकी शव हम लोग शेप्स बनाने के लिए आए हैं, तो ये वाला साइड पे पड़ा था, मैं इस पर नज़र गई, मैंने कहा मम्मा को कहूँगी इसकी स्लैब्स बनाएंगे, इतने मेरी मम्मा कहती हैं कि उसके जो है ना वो सारे तो नहीं निकलेगा पेस्ट, मैंने कहा चलो अब स्लैब्स को छोड़ो इसकी शेप्स बनाएंगे, बाकी और भी डालें। अच्छा वर्क प्लेस की आप बात करते हैं तो वर्क प्लेस सबसे प्यारी जो मुझे लगती है ना वो रेड क्वीन की है, उन्होंने इतने अच्छा सा मैनेज किया हुआ है, तीन बहने हालांकि और बहुत उन्होंने साफ सुथरी अच्छे कितने ज़्यादा टेक्सचर होते हैं, उन्होंने इतना अच्छा अपनी जगह को मैनेज किया है, यूनिक है, और रेड क्वीन ने दोनों ने कभी भी गंद नहीं होने देती, ये पकड़ना पड़ता।
और गोला ने भी बहुत तरतीब से रखे हुए हैं सारे टेक्सचर्स। चलो गोला के पास तो जगह बहुत बड़ी है ना, ठीक है वो एक बात अलग होती है, लेकिन मतलब आपको शॉर्ट प्लेस पे और इतनी तीन तरह तीन बहनों का टेक्सचर हो, शॉर्ट प्लेस तो क्रम्बलिंग हब की भी बहुत अच्छी है, क्रम्बलिंग हब है ऐसे एक रूम में जिनका है, एक रूम में उनको तो यार सल्यूट है, वो तो पता नहीं कैसे करती हैं। मैं तो रुषा को अक्सर कहती हूँ, रुषा मुझे तो उनके टेक्सचर इतने मज़े के लगते हैं ना, उन्होंने कैसे तरतीब वाइज लगाए होते हैं ना, ऐसे डालते हुए भी मज़ा आ रहा है। आज क्योंकि क्रम्बलिंग करने को कुछ भी नहीं है तो व्लॉग में है, अभी मैं दिखाती हूँ क्रम्बलिंग करने को है, मैंने कहा व्लॉग बहुत लंबा हो गया तो बढ़िया ये ले आती ना ये वाले दो बाउल और उधर ना छिपकली है। नहीं छिपकली तो छिपकली कहानी सुनाओ, हमने सारी मरवा दी है। इतनी ज़्यादा थी हमारे घर में, इतनी ज़्यादा छिपकली, किसी को नहीं पता तो लिजर्ड इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कल मेरे भाई ने जो है ना सारी मरवाई हैं अपने दोस्त को बुला के ना दोनों ने मिलके ऐसे इतनी मारी, और सुबह मैं ड्राइंग रूम को सारी इतनी ज़्यादा थी उन्होंने बेचारे ने तीन तीन चार चार बार मारी है ना, तो मतलब थोड़ी सोर डालें मार के हटते थे और दो तीन और आके खड़ी हो जाती थी, और फिर भी सुबह में फजर के टाइम उठी तो एक और इतनी उन्होंने मारी, कहते हैं एक रह गई है ना तो वो नहीं आई ना बाहर, हमने कहा चलो देखा उसको भी मार लेंगे, सुबह फजर के टाइम उठी तो वो मेरे कमरे में थी, मैंने कहा यार मेरे ख्याल से बस इसको एंड कर देते हैं, 18 मिनट का तो हो गया, चलो चलें डालें डालें, मम्मा की एक फ्रेंड आ गई है तो बस ये आखिरी शेप है और क्रम्बलिंग किसी और व्लॉग में करेंगे, तो हमें दीजिए इजाज़त, 18 मिनट का व्लॉग है आई थिंक सो काफ़ी है, और हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, याद रखिएगा और आप भी अल्लाह हाफिज़ बोल दें, ज़्यादा भर दिया, दो में याद रखिएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, अल्लाह हाफिज़, हमारा वॉच टाइम जो है कम्प्लीट कराइएगा, अल्लाह हाफिज़। जी तो ये देखें ये सारी शेप्स हैं जो मैंने मामा ने अभी भी प्रिपेयर की हैं, तो जब ये ड्राई हो जाएंगी तो हम लोग इनको बाहर निकाल देंगे, तो बस व्लॉग तुम लोगों ने वही पेंट कर लिया था तो मैंने सोचा मैं ये शेप्स आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, तो हमें दीजिए इजाज़त, गाँव में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।